लवर, और आप लोग भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे भाई आप अपने सारे के सारे स्ट्रेंथ दिखाइए, कितने ज्यादा आपके पास फिशेस हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज कि मेरे पास कौन कौन से फिशेस हैं और मेरे पास कितने टैंक हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो दोस्तों, सबसे मैन मेरा टैंक है ये, और इसमें मैं मेरे पास कौन कौन से फिशेस हैं, तो ये है कप्पी फिश और ये है एक मॉली फिश ना, ये दोनों मॉली फिश हैं, और ये कलर बेटो फिश, और दो एंजल फिशेस हैं एक दो, और एक ये पैड फिश है। और आप लोग कमेंट में आकर बताएं कि मुझे पैड फिश का पेयर बनाना चाहिए या नहीं। और ये इन दो फिशेस का मैं नाम भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या नाम था वो, चलो मैं आगे किसी और वीडियो में बता दूंगा। आप लोग कमेंट में आकर बताएं कि इन फिश का नाम क्या है ये दो। और एक वो ब्लैक सी मॉली फिश है जो आप देख सकते हैं, शायद दिख जाए आपको। और ये है मेरा मैन टैंक, और मेरा जो दूसरा टैंक है तो उसमें है मेरे मॉली फिश के बच्चे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैंने उसमें लाइट लग दी है, अब मैं आपको अच्छे से तरीके से बच्चे दिखा सकूँगा। तो ये देखो, ये मॉली के बच्चे हैं, और ये मेरी मॉली फिश ने आज ही बच्चे दिए हैं, और एक एक मॉली फिश के पहले के बच्चे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक फिश पॉन्ड भी बनाया हुआ है, और जो बच्चे देने वाले फिश मॉली फिशेस हैं उन्हें भी मैंने अलग रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो दिखाते हैं चलो। तो दूसरा, ये मेरा एक स्पॉन्ड बनाया हुआ है मैंने छोटा सा एक तसले में, तो इसमें मैंने कौन कौन से फिशेस रखे हैं। तो ये देखो, सबसे पहले एक है ये रेड कैप फिश, पैंडा रेड कैप, और ये एक मिल्की फिश, और एक ये इसका नाम क्या है अबे यार, और इसे छोड़ो चलो, और ये गोल्डन फिश, और एक मेरे पास बेटा फिश भी है जो यहाँ पर घुसी हुई है, आप शायद देख सकें इसे, ये छुपके रहती है ज़्यादातर। और इसके अलावा मेरे पास अलावा ये मैंने कुछ मॉली फिश रखी है जो अगल, क्योंकि ये फुल लोडेड है, ये कभी भी बच्चे दे सकती हैं, और मैंने इसे मैन टैंक में रखा इनको, तो बच्चे खा लेंगे और फिशेस, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक उसमें बैड फिश है, मॉली फिश खुद ही बच्चे खा लेती हैं। तो मैं इसे जल्दी से खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, इसमें फुल लोडेड फिशेस है मॉली फिशेस, और मैं आपको दिखाता हूँ ये हाथ में लेकर। देखो दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ हाथ में लेकर, एक हाथ आ सके तो आ गई है, दो फिशेस आ गई, आप लोग देख सकते हैं ये फुल लोडेड है, और ये कभी भी बच्चे देख सकती है, तो इसीलिए मैंने इन फिशेस को अलग रखा हुआ है। अगर उस टैंक में मैन टैंक में रखूंगा तो उसमें अलग अलग टाइप की फिशेस हैं, वो बच्चों को खा सकती हैं, इसलिए मैंने अलग रखा। तो ऐसे मैंने बताया कि मेरे पास कौन कौन से फिशेस हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आकर बताएं कि मेरे टैंक सेटअप और फिश पॉन्ड आपको कैसा लगा।